मुझे 200 रुपए का पड़ा। ये लिमिटेड ऑयल है जो मंगवाया है अमेज़न से। क्वालिटी इसकी अच्छी होती है लिमिटेड ऑयल, जो भी आप ऑयल पेंटिंग में जो यूज करते हैं उसमें इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। जो आपका जो शाइन करता है जो कलर है वो इस लिमिटेड ऑयल से आता है। तो ये हमारा बॉटल है, ये 100 ml के 100 rupees में। जितने आप 1 ml लेते हो उतने इसके प्राइस होते हैं। देखो देखो आपने, ये 100 rupees का ही है। ये दोनों से 100 rupees का है। ये लिमिटेड ऑयल है और दूसरा आता है वो टर्पेंटाइन ऑयल होता है। वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा टर्पेंटाइन और लिमिटेड ऑयल कैसे आप यूज कर सकते हैं अपने ऑयल पेंटिंग में। अगली उसके अगली वीडियो में आपको टर्पेंटाइन और लिमिटेड ऑयल का बेसिक इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं यूज अपने ऑयल पेंटिंग में। और मैं आपको एक ऑयल पेंटिंग का पोर्ट्रेट निकाल के दिखाऊंगा। तो बिना किसी स्किप करके आप देखते रहे ये लिमिटेड ऑयल का रिव्यू और वाटर कैसा ये यूज होता है इसका। मैं कैनवास लेने वाला हूँ, कैनवास पे पेंट करने वाला हूँ मैं लिमिटेड ऑयल से। ऑयल पेंटिंग में यूज करने वाला हूँ। ये मुझे अराउंड 200 रुपये में रिजल्ट में मिला। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस लिमिटेड ऑयल का। कैमलिन आर्टिस्ट प्योरीफाइड लिमिटेड ऑयल है फॉर ऑयल कलर्स। देखो इधर लिखा है फॉर ऑयल कलर्स 100 ml। और इधर स्कैन का कुछ दिया हुआ है। देखो ये इसका MRP 100 rupees है। ये इसका क्वालिटी मतलब आप इसको ऑयल पेंटिंग में मिक्स करने के लिए यूज कर सकते हैं, मिक्स करने के लिए यूज कर सकते हैं आप इसको। ये जब आप इसे यूज करते हैं तो इसको एक शाइन आता है, जो शाइन आपको बहुत अच्छी होती है सर, जो ऑयल पेंटिंग में इम्पोर्टेंट होती है। जो अगर आप कोई पोर्ट्रेट निकालने जा रहे हो तो ये हेल्पफुल होता है, ये आपको इम्पोर्टेंट होता है ऑयल पेंटिंग में। और जो अगला टर्पेंटाइन है वो समझ जाता है। तो ये टर्पेंटाइन की बॉटल मार्केट के लिए बॉटल का रिव्यू इस यूट्यूब चैनल में ले डाला है, क्योंकि आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल सकता है। ये अराउंड मुझे 30 rupees का मिला है, पर 30 rupees का 35 का है, पर मुझे 30 rupees का मिला है। ये भी 100 ml का है लिमिटेड ऑयल, सॉरी टर्पेंटाइन ऑयल। ये आप मिक्सिंग और ब्रश क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपके ऑयल पेंटिंग के जो ब्रशेज होते हैं उस पर आप यूज कर सकते हैं। ये मैं साइड में रखता हूँ। मैं आपको अभी मेरे ब्रशेज दिखाता हूँ। तो ये मेरा ब्रशेज का पाउच जो मैंने घर पे बनवा के लिया है। मेरी दादी माँ टेलरिंग का काम करती है, तो मैंने ये पाउच बनवा के लिया है। ये बहुत पुराना हो गया है और बहुत अच्छा होता है ब्रशेज रखने के लिए। तो मैं इसको खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसमें आपके सभी ब्रश एक साथ रह सकते हैं। जो मेरे सब ऑयल पेंटिंग के ब्रश, जो वाटर कलर के ब्रश हैं वो दूसरे होते हैं। जो आप वाटर कलर में भी जो यूज करते हैं वो आप ऑयल पेंटिंग मत यूज करो, क्योंकि वो पॉइंट होता है वो खराब हो जाता है ब्रशेज का। तो मेरा रिकमेंडेड है कि आप 2 ब्रशेज लो, एक ऑयल पेंटिंग और एक वाटर कलर पेंटिंग। एक्रेलिक में भी आप वाटर कलर पेंटिंग के ब्रश यूज कर सकते हैं। तो ये 000 का पॉइंटेड ब्रश है। ये 000 का पॉइंटेड ब्रश है। देखो 000 का पॉइंटेड ब्रश है। ये मुझे अराउंड 65 rupees का मिला। ये मैं जो आंखें होते हैं ना ऑयल पेंटिंग में मैं यूज करता हूँ ये। और ये मेरा पुराना ब्रश है ये मेरा, पर ये मैं कुछ
चीज़ें होती है, जगह होती है जिस पे आपको पुराने ब्रश यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको टेक्सचर देना होता है ऑयल पेंटिंग में, उस प्रकार मैं इसमें यूज करता हूँ। तो ये 6 नंबर का ब्रश है, तो मैंने ये बहुत से यूज़ किया है। तो ये मेरा अगला ब्रश, तो मैं इस ब्रश को अपने ऑयल पेंटिंग में ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि ये वाटर कलर का ब्रश है। मैंने ये सब मिक्स करके रखा है ब्रश, क्योंकि जो व्हाइट कलर के ब्रश है वो मैं ऑयल पेंटिंग में यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा ऑयल पेंटिंग का ब्रश है, तो व्हाइट कलर के ब्रश में ऑलवेज ऑयल पेंटिंग में यूज़ करता हूँ। तो मैं साइड मिक्स करता हूँ। अब मेरे ऑयल पेंट आपको दिखाता हूँ। ये है मेरे आर्टिस्ट के ऑयल पेंट, देखो आर्टिस्ट ऑयल कलर 12 शेड के ये ऑयल पेंट है। मैंने ये अभी यूज किए हुए हैं। मैं आपको ये येलो कलर है, ये खत्म हो गए, थोड़ा सा ही रह गए। व्हाइट कलर आपको अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि जो व्हाइट कलर होता है वो बहुत ऑयल पेंटिंग में इम्पोर्टेंट होता है, उससे ही आप शेड डार्क और लाइट कर सकते हैं। पर मेरा रिकमेंडेड है कि आप मत लीजिए क्योंकि व्हाइट कलर आपका ड्राइंग खराब कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में आप व्हाइट कलर मत यूज करिए, जब आपको बहुत की जरूरत हो गई तभी आप यूज करें। तो ये 12 शेड्स का होता है, 12 शेड्स का होता है, 12 शेड का होता है, 5 ml का ये होता है। तो ये ग्रीन कलर है, तो ये आर्टिस्ट ग्रीन कलर है। स्टूडेंट वाटर कलर और आर्टिस्ट वाटर कलर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें, क्योंकि 100 रुपीज़ का डिफरेंस होता है। ये मुझे लगभग 400 में मिला, इसका मैंने मार्केट से लिया है, मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है। तो फिर भी आपको अगर लिंक चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने अलग से डिब्बे भी लिए हैं क्योंकि जो वार्निश होता है, वार्निश मतलब जो प्लाई और लकड़ी पे जो हम ब्राउन कलर जो ऑयल पेंट का मारते हैं वो भी ऑयल पेंट होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ये मार्केट में नहीं अवेलेबल हो गया और आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। वो भी अच्छे ब्रांड के होते हैं, अच्छे ब्रांड मतलब इतने अच्छे नहीं होते और उससे रिजल्ट आपके अच्छे आ सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि हम हर रोज नई नई वीडियो डालते रहते हैं। तो आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ प्लीज गाइस, सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बिगिनर हूँ, बिगनर लेवल को बिगनर ही सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको आर्ट के रिलेटेड और अच्छे वीडियो डालता रहूंगा। तब तक के लिए बाय, सी यू सून, बाय।